बॉलीवुड एक्टर सतीश कौशिक की 66 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई है। पिछले कुछ सालों से हार्ट संबंधित बीमारियों से मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जहां पहली लंबी उम्र के बाद हार्ट की बीमारी के मामले सामने आते थे, वहीं आज के समय में कम उम्र के लोगों को भी इसके मामले देख रहे हैं। कोरोना के बाद के कार्डियक अरेस्ट के मामलों में भी काफी तेजी देखी जा रही है। युवा भी इसकी शिकार हो रहे हैं। डरावनी बात है कि कार्डियक अरेस्ट में दिल की धड़कन काम करना बंद कर देती है और अगर तुरंत इलाज न मिले तो मौत हो जाती है। कई लोग हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बीच कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन दोनों में काफी अंतर है। अगर आप भी दोनों में खास फर्क नहीं कर पाते हैं तो जानें कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के बीच क्या मुख्य अंतर है। कार्डियक अरेस्ट क्या है? जब इंसान के दिल की धड़कन रुक जाती है और ये शरीर के बाकी हिस्सों तक खून की आपूर्ति नहीं कर पाता है, इस स्थिति को कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है। कार्डियक अरेस्ट आने पर क्या होता है? जब किसी इंसान को कार्डियक अरेस्ट आता है तो वो मिनटों में ही बेसुध या बेहोश हो जाता है। चिंता की बात है कि अगर इससे तुरंत इलाज न मिले तो व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट आने की क्या वजह है? कार्डियक अरेस्ट को लेकर एक सबसे बड़ा डराने वाली बात यह है कि ये किसी को भी हो सकता है। कई बार हार्ट अटैक भी इसका एक कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी इंसान की दिल की मांसपेशियां कमजोर हैं, तो वो इस वजह से भी कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो सकता है। क्या है हार्ट अटैक? हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट से काफी अलग है और कार्डियक अरेस्ट से कम खतरनाक है। जब इंसान के दिल तक खून पहुंचाने वाली धमनियों में कोई बाधा आती है या धमनियां 100% ब्लॉक हो जाती हैं, उस स्थिति में इंसान को हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट अटैक के आने से ठीक पहले कई तरह के लक्षण इंसान को नजर आते हैं। इनमें सीने में दर्द होना या सीने में भारीपन महसूस होना इसका सबसे आम लक्षण है। इसके अलावा सांस फूलना, पसीना आना या उल्टी होना भी इसके आम लक्षण हैं। ये लक्षण तुरंत या कुछ घंटों बाद भी सामने आते हैं। हार्ट अटैक की क्या है वजह? हार्ट अटैक आने की वजह आपकी खराब लाइफस्टाइल हो सकती है। अगर आपकी जीवन शैली ठीक नहीं है तो आप खुद को हार्ट अटैक की ऐसी गंभीर स्थिति के पास ले जा रहे हैं। आजकल लोगों का गलत खान पान या नींद ठीक से ना लेना या एक्सरसाइज न करना हार्ट अटैक की सामान्य वजह हो सकती है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक से बचाव के तरीके। कार्डियक अरेस्ट से बचने के कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि हार्ट की उचित देखभाल करके हार्ट संबंधित बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके लिए अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, सही आहार का सेवन करें, रोजाना एक्सरसाइज करें, अपने वजन को कंट्रोल रखें, तनाव से बचें, स्मोकिंग अल्कोहल का सेवन न करें, समय समय पर डॉक्टर से संपर्क करते रहें। अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज या अन्य हार्ट संबंधित कोई बीमारी है तो समय समय पर चेकअप कराएं। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ चुका है तो इम्प्लांटेबल कार्डियो वाटर डिफाइब्रिलेटर घर पर रखें, जिससे कि दूसरे कार्डियक अरेस्ट के जोखिम को कम किया जा सके। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब